शन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन यक्षा बहने दर्शन करने, यक्षा बहने दर्शन करने, आई देखा सिंह लगी डरने, आई सिंह लगी डरने, श्रीभद्र बाहु समझाते हैं, श्रीभद्र बाहु समझाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन श्री भद्रबाहु स्वामी की कथा आप सुन रहे थे। एक मोड़ पर हम पहुंचे थे कि जब संघ ने संतों को भेजकर ये प्रार्थना करवाई थी कि आप पधारो, आओ और संतों को ज्ञान दो। उन्होंने अपने साधना की बात कही थी कि मैं महाप्राण साधना कर रहा हूं, मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकता। इसका दुख हुआ था संघ को, संतों को, कभी हमने प्रार्थना भिजवाई और वो सुने नहीं। तब फिर संत भेजे गए, उन संतों ने जाकर के जो बताया था भाई ये कहना, वो कहा ये था कि जो संघ की आज्ञा न माने उसको, उस साधु को क्या प्रायश्चित आता है, ये उन्होंने पूछा। भद्रबाहु समझ गए, विद्वान और ज्ञानी के लिए संकेत ही बहुत होता है। मैंने संघ की आज्ञा नहीं मानी और इसीलिए ये बात पूछवाई है, उसका प्रायश्चित होता है संघ से बहिष्कृत कर देना, जाओ, बहुत बड़ा प्रायश्चित है। तब उन ज्ञानी आचार्य ने उन संतों को कहा, मैं संघ का मान सम्मान करता हूं, संघ की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं, मेरा एक निवेदन प्रस्तुत कर देना कि संत पढ़ना चाहते हैं उनको यहां भेज दो, मैं उन्हें पढ़ा दूंगा, मेरी साधना भी हो जाएगी, उनके पढ़ाई हो जाएगी। अगर मैं छोड़ कर आऊँगा तो मेरी साधना भंग हो जाएगी। अगर संघ ही आज्ञा दे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर चलाऊँगा, कोई बात नहीं, आज्ञा का पालन करूँगा। ये बात संतों ने लौट कर आकर कही, तब संघ ने, आचार्य ने उनकी बात स्वीकार कर ली, ठीक है, हम नहीं चाहते उनकी साधना भंग हो, और उसका जो मार्ग उन्होंने सुझाया है बहुत अच्छा है, ठीक है,
तो फिर संतों से पूछा, हाँ भाई पूर्वों का ज्ञान कौन पढ़ना चाहते हैं? कितने ही ज्ञानी थे, 11 अंगों के ज्ञाता थे। कथा में ऐसा बताया, 500 साधु तैयार हो गए। चलो भाई वहाँ चलेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान सीखेंगे। 500 साधु नेपाल गए, जाकर दर्शन किए, और जिसकी जहाँ व्यवस्था बनी, गुफाओं में इधर उधर पढ़ने आए थे, आराम के लिए नहीं आए थे, ठहर गए, समय पूछ लिया। उन्होंने 3 समय वाचना के दिए, इस समय तुम उपस्थित हो जाना। पहले दिन वाचना दी, सुबह दी, दोपहर की वाचना पे संत इकट्ठे हुए। एक साधु ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, कुछ पूछना है, खड़ा हो गया। उसने कहा, गुरुदेव सुबह आपने ये बताया था, ये समझ नहीं आई, दोबारा बता दो। बोले भाई फिर तो नहीं काम चल सकता, अगर ऐसे होगा तो पूर्वों का ज्ञान तो नहीं पढ़ा जा सकता। ये तो तुम्हारी ऐसी बुद्धि और धारणा होनी चाहिए, वैसे थोड़े पढ़ाते थे, किले में पढ़ लो। वो तो धारा प्रवाह ज्ञान का कथन करते थे, और साधु इतने बुद्धिमान थे, उसको तत्काल आत्मसात करते जाते थे। फिर तो नहीं चल सकता, चुप हो गई। और बात क्या, एक मास में 500 साधुओं से 499 साधु वापिस हो गए, अपने बस का नहीं, अपने समझ में नहीं आता, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। केवल एक संत बचे, स्थूल भद्र, उनमें थी ये योग्यता, जो वो पढ़ाते थे उसको ग्रहण करते थे, गुरु भी खुश थे, योग्य है ये, और यह है ज्ञान प्राप्त कर लेगा। उनको इस बात की प्रसन्नता थी, खुशी थी, और यूं ऊंचाइयों पर चढ़ते चले गए। 14 पूर्व के ज्ञान में 10वें पूर्व की बात चल रही थी, बीच में एक बाधा आ गई। और बाधा क्या आई, बहुत दिन हो गए थे, स्थूल भद्र मुनि की 7 बहनें और 1 भाई, पूरा परिवार यही था, दीक्षा ले चुके थे। बहनों के मन आया, बहुत दिन हो गए, चलो आचार्य भद्रबाहु के और भाई महाराज के दर्शन कराएं। और ये सोच कर वे 7 बहनें दर्शन के लिए चली थी। पहुंची, आई नेपाल, जैसा संकेत था वो वहां मिलेंगे। पहले गुफा आई गुरु की, भद्रबाहु की, वंदन किया, नमन किया, आशीर्वाद लिया, धन्य धन्य हो गई, गुरु का आशीर्वाद पा करके बहुत प्रसन्नता अनुभव की। आचार्य ने कहा, आप बहुत समय नहीं लगाना है, यहाँ तो स्वाध्याय का काम है, दर्शन कर लिए, आशीर्वाद। गुरुदेव भाई महाराज के और दर्शन करना चाहते थे, हाँ ठीक है जाओ, इसी रास्ते से जाओ, ऊपर वो गुफा आएगी और वहाँ वो ध्यान में होंगे या वहां पर मिलेंगे, जाओ चले जाओ। साधवियां बहुत उल्लसित मन से, प्रसन्न मन से,
मन में एक भाव था, इतने समय के बाद भाई महाराज मिलेंगे, दर्शन करेंगे। ऊपर उत्साह पूर्वक चढ़ी जा रही थी, ऊपर किसी कार्य से या कैसे सोलभद्र गुफा से बाहर आए थे, उन्होंने देखा रे साध्वी आ रही है नीचे से, पहचाना बहने आ रही हैं। ये आकर के पूछेंगे क्या पढ़ते हो, क्या स्वाध्याय है, क्या ज्ञान सीखा। अब इनको ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी, एक ही बात से इनको उत्तर दे दिया जाए सारे प्रश्नों का। भाई मैं यहां पर जो पढ़ रहा हूं उसमें यहां तक पहुंचा, ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग कर लिया। और किया ये कि वे सिंह बनकर अपना रूप बदल करके, शेर बन करके अपने गुफा के मुहाने किनारे के ऊपर बैठ गए। साध्वियों का ध्यान नीचे था, जैसे ही वो ऊपर गए उन्होंने अपना चेहरा ऊपर देखा और सामने विकराल शेर बैठा हुआ है। शेर, और जंगल में कहीं मिल जाए आदमी को क्या स्थिति हो सकती है। साध्वियां एकदम भयभीत हो गई, शेर बैठा है, और चलो चलो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। साध्वियां फटाफट नीचे को चली, लेकिन मन में एक बड़ा भयंकर प्रश्न जो भयपूर्ण था, भाई का क्या हुआ होगा, उनकी गुफा में शेर आ गया, एक अमंगल से वो कांप उठी, क्या हुआ होगा, क्या घटा होगा। वे जिस तरह थे सांस भरे हुए, चिंता में बहुत भय से ग्रसित थे, आई भद्रबाहु स्वामी के पास में। आचार्य श्री ने पूछा, साध्वियो इतना क्यों घबरा रही हो, क्या बात है। और वो तो रुवासी हो, भाई का पता नहीं क्या हुआ, वहां तो गुफा के बाहर शेर बैठा है, पता नहीं क्या हुआ होगा भाई का, शेर बैठा है। हाँ जी, पता होने के बाद स्थूल भद्र जितना अध्ययन कर चुका है, जितने सिद्धियों को पार कर चुका है, उसके सामने ये शेर हाथी जंगली ये क्या माने रखते हैं, उसके सामने तो कुछ भी माने नहीं रखते, और उसके गुफा में शेर आ जाए, नहीं, ये कैसे हो गया। उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके देखा, अरे ये तो शेर थोड़े था, ये तो स्वयं स्थूल भद्र था। इन साध्वियों को चमत्कार दिखाने के लिए उसने ये प्रयोग कर दिया, गलत किया, करना नहीं चाहिए था। खैर, उन्होंने साध्वी से कहा, साध्वियों घबराओ मत, तुम्हारा भाई सुरक्षित है, और सुनो वो इतना इतना पढ़ चुका है, इतना ज्ञान पा चुका है, इतना सिद्धि संपन्न है, ये जंगल के हाथी शेर उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ, इस बार जाओगे, कोई शेर नहीं मिलेगा तुम्हारे को, तुम्हारे भाई के दर्शन होंगे। धन्य गुरुदेव, हमारे मन को संतोष मिला। अब हम जाती हैं, साध्वियां वापिस गई, कोई शेर नहीं था, पहुंची, भाई महाराज मिले, दर्शन किए, बहुत आनंद हुआ, घटना भी बता दी। हम तो जो डर गए थे गुरु महाराज, यहाँ शेर बैठे हुए देखा, अब कहाँ गया शेर, वो क्या हुआ, हम तो ऐसा हो गया था, इस तरह से घटित हो गया, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, हम बहुत आनंदित हैं। सुख साता पूछी, सब पूछा, और उसके बाद दर्शन करके साध्वियाँ नीचे आई, फिर आचार्य के पास आए, कहा गुरुदेव वहाँ तो कुछ भी नहीं था। बोले मैंने कहा था ना, वो बहुत ऊंचाइयों पर जा चुका है, ठीक है जाओ तुम। साध्वियाँ चली आती हैं, लेकिन इस घटना से आचार्य भद्रबाहु का मन कुंठित हो गया,
ये शूलभद्र ने ठीक नहीं किया। उसने जो ये किया, चमत्कार दिखाया, ये उसके साधना के अनुरूप नहीं था। गुरु के मन में आया ये भाव, आगे किस रूप में क्या समाधान हुआ इसका, ये चर्चा अगले समयों में जैसा अवसर होगा। आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप इस कथा में सुन रहे होंगे, साधु जीवन, साधु आचार, चमत्कार, कितनी सारी बातें, ज्ञान और क्या अद्भुतताएं उन साधुओं की थी, वो सब आपने सुना। अब चर्चा को विराम मिलकर बोलेंगे। बंधुओ एवं श्रद्धाशील बहन, आज यह एक आयोजन किया गया, मुझे लेकर किया गया, और हमारे भाई बहनों ने तथा संतों ने, साधियों जी महाराज ने अपने अपने विचार भावनाएं रखी। बंधुओ, दो बातें कहना चाहूँगा, प्रशंसा सुनना बड़ा मुश्किल काम है,